हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार मेन इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि चार आपको फिनिश करवा दूं, लेकिन अगर तीन हो पाई तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चौथी होगी वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला, नाइन्थ नंबर जो था वो थी हमारी इनकम। अब देखिए, इनकम मतलब क्या होता है? इनकम आपने कोई स्टॉक जो है, कोई गुड्स जो है किसी व्यक्ति को बेचा, यानी कि आपने 5000 रुपीस को बेचा, ठीक है। लेकिन उस गुड्स की कॉस्ट वैल्यू जो थी वो थी 4000 रुपीस, तो आपको इनकम कितनी हुई? 1000 रुपीस की, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इनकम होती है वो ईयरली बेस पर कैलकुलेट होती है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था, ठीक है। दोनों में ये इनकम और प्रॉफिट, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो इंस्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो इनकम होती है वो आपको पूरे ईयर में होती कैलकुलेशन होती है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ये है चिंटू। चिंटू का बिजनेस है फर्नीचर का, जिसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीस, ठीक है। जिसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीस, यानी कि 1 लाख रुपीस की वो पूरा बिजनेस है। उसने अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीस लगा रखे हैं। अब ये 1 लाख रुपीज के अंदर कुछ चीजें सेल्स करेगा, ठीक है, कुछ अपनी शॉप का रेंट पे करेगा, कुछ अपने वर्कर को लेबर देगा, कुछ लाइट पे करेगा, लाइट के बिल्स जो होते हैं वो पे करेगा, एटसेट्रा। तो इन सब चीजों को लेस करके कैपिटल में से जो आपकी आपका अमाउंट आता है वो आपकी कहलाती है इनकम, ठीक है। आई होप इनकम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे रेवेन्यू। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके। अगर हम लोग रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? अगर हम लोग रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारी इनकम यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इनकम का छोटा सा पार्ट है जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे, अगर आपको फिर भी इनकम के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? देखो, आप एक सिम कार्ड यूज करते हैं, यानी कि मोबाइल यूज करते हैं। आपने रिचार्ज करवाया मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करवाया आपने, सपोज 1 अप्रैल 2021 को, 1 अगस्त ले लें आप, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, करंट इवेंट करंट चीज में हम लोग करेंगे। 1 अगस्त को आपने रिचार्ज करवाया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर आपने पेमेंट क्या करा, अभी करा,
पेमेंट टुडे, यानी कि आपने पेमेंट तो अभी करा लेकिन आप इसका बेनिफिट कब तक उठाओगे? पूरे मंथ उसका बेनिफिट उठाओगे, ठीक है, होल मंथ आप इसका पूरा बेनिफिट उठाओगे। देखिएगा, आपने मोबाइल का रिचार्ज करा 1 अगस्त को, ठीक है ना, पहले ही रिचार्ज कर दिया, और आपने उसके बाद रिचार्ज करने के बाद जो उसकी मोबाइल की सर्विसेज है, ठीक है, उसको आप पूरे मंथ को यूटिलाइज कर पाओगे। तो एक्सपेंस जो होता है इसके अंदर पेड करते हैं इन एडवांस। हम लोग जो भी एक्सपेंस होता है वो एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हमको याद रखना है, वो है कि ये जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट असेट्स, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारी कंपनी के लिए एक करंट असेट्स होता है, यानी कि उसने हम लोगों को, हमने कंपनी को पेमेंट तो कर दिया, हम उसका बेनिफिट पूरे मंथ को यूज करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इस एक्सपेंस के लिए पेमेंट जो है वो पहले ही कर दे रहे हैं, तो ये चीज कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं 11th नंबर। अब जैसे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आपने पहले क्या करा, महीने के स्टार्टिंग के अंदर ही आपने पेमेंट कर दिया। अब आप पेमेंट करेंगे आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है, अब देखिएगा इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है आपका, आप सपोज करें आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी का अंदर एक एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जो कि है, इसको आप माने राम, आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है राम, राम को आपको सैलरी देनी होती है। ऑब्वियस ही बात है, जो भी आप अपनी कंपनी में जिस भी एम्प्लॉय को आप काम कर रहे हैं, काम जिसकी आप सर्विस ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको फ्री में तो रखेंगे नहीं, तो आप उसको सैलरी देंगे। क्या देंगे? सैलरी देंगे। तो ये जो सैलरी है वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इंपॉर्टेंट बात जो है, अब जिस भी व्यक्ति को आप सैलरी देंगे वो पूरे मंथ के एंड में देंगे, ठीक है, यानी कि आप उसको जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे मंथ एंड में, यानी कि एक मंथ होने के बाद उसको आप सैलरी देंगे। सपोज करो इस व्यक्ति ने कि जॉब आपके कंपनी में लगी 2nd of August 2021 को, तो आप इसकी सैलरी यूजुअली कब देते हैं? 1st of September को, ठीक है। आपके पापा और आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग में हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी सैलरी एक मंथ काम करने के बाद ही सैलरी को पे किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को अंदर क्या बात है, समझिएगा इस बात को कि हम लोग जो कंपनी होती है वो बेनिफिट तो पहले ही उठा लेती है, तो पहले ही
उठा लेती है, उसके बाद पेमेंट किया जाता है, लेकिन पेमेंट जो है वो बाद में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। बेनिफिट तो आपने पहले उठा लिया, लेकिन उसकी जो सैलरी है, पेमेंट है, वो आपने बाद में करा, तो ये चीज क्या कहलाती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आप इसको याद रखिएगा। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि करंट लायबिलिटी के आउटस्टैंडिंग जो है, देखिएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इज करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो है आपका करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों आपको ये पूरे तीनों के तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे आई होप। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है ना, और इनकम क्या होती है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद फोर्थ टर्म जो कि होगा फिक्टिशियस एसेट्स का। देखिएगा ये जो टर्म है थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिक्टिशियस एसेट्स का। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।